हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी दिमनसा एंड यू वाचिंग माय चैनल क्रेजी डीएस। तो अभी आप सोच रहे हैं ये बाइक किसका है भाई। तो ये बाइक है मेरा एक बड्डी का, उसका नाम है चोंडी। तो आज एक छोटा सा राइड होने हो रहा है हम लोगों का, राइड भी बोल सकते हैं और एक काम भी है, तो जिसलिए उधर हम लोग जा रहे हैं। बोले तो वो एक पुराना गाड़ी देखेगा, तो उसके लिए हम जा रहे हैं पानागर। तो पानागर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, वो बहुत फेमस जगह है। तो अभी सीधा जाते हैं और ये जो जंगल आप देख पा रहे हैं ये है हाउस के नाम फॉरेस्ट के अंदर में है। ये देख रहे हो, इधर सीधा धान का खेत है। ये जो पिछले वाला वीडियो था गुस्कड़ा वाला वीडियो, बेस्ट वैंडल वाला, तो उधर जो हमने बोला था ना, वो समझदेव बोली वाला, जो कौन सा पेड़ सब, वो जो छत बना हुआ था, तो वो सब है यही धान का खेत है। तो धान का पेड़ से बना हुआ था, ये सूखने के बाद कुछ वैसे देखने का टाइप लगता है। और इधर पिछले कुछ दिनों से, मतलब 10 दिन हो गया, इधर हाथी आया है। और आने के बाद हाथी क्या बताओ, इधर बहुत लोगों का नुकसान भी हुआ है। जैसे कि अभी अब ये जो बन रहता है, ये बन के अंदर लोगों, तो आजकल का लोग तो यार पेड़ सब कुछ यार काट दे रहा है, जिससे कि हाथी उन लोगों का खाना ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए वो सब इधर लोकल टीमें आ जा रहे हैं। तो देखो, ये मैंने इधर एक वीडियो डाला है, इधर देखो वीडियो आप, तो उसके बाद हम बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 तो हाँ, ये वीडियो आपने जब देखा तो देखा आप लोगों ने कि इधर कितना सारा हाथी आया था। तो सोच सकते हो इधर, और हाथी आने के बाद इधर 3 बंदे को इस हाथी ने ऐसा पेला है भाई, क्या बताओ। ये वीडियो इधर नहीं प्ले करने वाला हूँ। तो चलो जाते हैं और क्या। अगर आप लोगों को भी लगता है कि यार बन के अंदर भी कोई लोग घर करते हैं क्या, बोल तो रह सकते हैं क्या, तो आप लोगों को एक मैं तगड़ा वाला प्रूफ दिखाता हूँ। जैसे देखो ये घर है, ये भी बोन के बोले तो बन के अंदर ही है, इधर से बहुत सारा रास्ता जाता है, इधर भी ये जैसे ये देखो। इधर बहुत लोग रहते हैं, इधर जैसे स्कूल है एक, देख रहे हो, इधर एक छोटा सा गांव रहता है। चुंडी जब आएंगे ना उधर से, तो इधर से सीधा जाएंगे राम, वो क्या नाम है उसका, रामनगर, इधर से सीधा चले जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोगों ने जो देखा ये था भातकुंडा, सॉरी हाँ ये भातकुंडा ही था। तो इधर भी यार लोग रहता है, इधर जैसे हॉस्पिटल है ये एक। तो यार चलो सामने से जाते हैं और क्या। चुंडी ये टर्निंग ओपी टर्निंग लगता है मुझे, जब भी आता हूँ भाई गाड़ी पूरा लेट जाता है। 220 को तो जब लेके आता हूँ क्या बताओ, गाड़ी पूरा सो जाता है भाई साहब। ओ भाई। तो
और एक बात हम शेयर करते हैं आप लोगों को, ये बंद का जब रास्ता होता है उधर जब भी जा रहे हैं ना, थोड़ा बाइक को स्लो चलाना, नहीं तो ये बकरी बकरी होता है ना, इधर से सीधा ऐसे स्पीड में जाएगा ना एकदम, क्या बोलते हैं इस गाड़ी का नाम, H2 आके ऐसा बई करके सीधा चला जाएगा इधर से और आपका सीधा इधर से ऊपर कनेक्शन खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इधर का सीनरी देखो यार, कितना ही सही है ना, जैसे लग रहा है ये रास्ता कब खत्म होगा। जैसे एक बंगाली में गाना होता है ना, ये पथ बोलते, ये रास्ता अगर खत्म ना हो तो कैसे होता, तो वैसा ही है ये रास्ता। और जितना हम आगे जा रहे हैं उतना ही बोले तो लोकेलिटी मिल रहा है। वैसे ये रास्ता तो मेरा एकदम क्या बोलूँ, माथे पे पूरा मैप ही घुसा है। वैसे ये जो जिक्सर बाइक है भाई, ये इस बाइक का मुझे पावर सही लगता है और माइलेज भी सही है इस बाइक का, तो माइलेज भी सही है, लुक भाई सही लगता है। ये देखो सांड, ठीक है हमको सांड नहीं चाहिए, हमको जाना है दाएं से, तो सॉरी ये बाएं था, दाएं नहीं था ये। और इधर चल रहा है गुत्तम गुत्ताई, और ये देखिए यूकलेक्टर, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं है। ये देखो चचा मुंह उतरा है तो ये यूकलेक्टर पेड़ है, ये पेड़ का जो क्या बोलते हैं इसको, छल को क्या बोलते हैं, जैसे ये कपड़ा होता है, ये यूकलेक्टर पेड़ भी ऐसे कुछ होता है उसका, तो कुछ दिन बाद जब ये सूखेगा और सूख जाने के बाद जब बोले तो गज से छोड़ जाएगा मतलब छूट जाएगा, तो तब यार इतना सही खुशबू आता है ना भाई, आप जितना ही महंगा परफ्यूम लगा लो ना भाई, इतना अच्छा खुशबू आपको कभी नहीं आएगा। तो चलो यार सीधा पनागौर जाते हैं और उधर जाके हम दिखाते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम पनागौर के आसपास आ चुके हैं, ये नेशनल हाई रोड है, तो ये सीधा जा रहा है बांकुड़ा उधर जा रहा है, और हमको जाना है ये बाईपास से सीधा नीचे से जाना है, क्योंकि ज़्यादा घूम के जाने में कोई बात ही नहीं बनता। वो हैं जो जाइलो कितना जोर आ रहा है भाई, बंगाल का जितना भी रास्ता होता है भाई बोले तो एक भी रास्ता अच्छा नहीं होता। वैसे तो ये क्या बोलते हैं इसको, गांव ही है पर इसको लगता नहीं है ये गांव है, ये जगह इतना बोले तो मेंटेन करके रखता है। तो कार का जो बाजार होता है बोले तो पुराना पुराना जो कार होता है उधर जाते हैं, तो उधर जाने के बाद हम दिखाते हैं। अभी हम पनागौर से निकल चुके हैं और उधर हमने सोचा था कि वीडियो बनाएंगे पर उन लोगों ने बनाने नहीं दिया, क्योंकि उधर बहुत चोरी का गाड़ी रहता है
और हमको चोरी का गाड़ी छोड़ के एक अच्छा गाड़ी लेना है, वो का पेपर वाला गाड़ी चाहिए। तो हमने उधर से, इधर क्या हो रहा है भाई, हाँ तो हम उधर से एक गाड़ी चूज़ किया है, वो है मारुति 800। वो गाड़ी का कंडीशन हमको सही लगा, चल रहा है कि भी पावर सही लगा, तो उस गाड़ी को हमने देख लिया है। पर अभी हम तो नहीं लेने वाले, कि लेने वाला है हमारा दोस्त चुंडी, तो वो अभी घर जाते हैं। घर जाने के बाद थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं उन लोग, उनका फैमिली लोगों से, और उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। सो अभी टाइम हो रहा है 7:00, और घर जाते जाते मिनिमम 8:00 ऐसा कुछ हो सकता है। तो आज का जो वीडियो था इतना सा ही। अगर आपको ये वीडियो किसी भी कारण से अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करना, और क्या, और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब के बाद वो जो घंटी रहता है, घंटी के बाद टंग से हिला देना, यार सब्सक्राइब करो यार, आपका पापा का, मम्मी का, फूफा का, चाचा का, नाना का, नानी का, जिसका भी फ़ोन है भाई, सर्च करो क्रेजी डीएस और फटक से यार सब्सक्राइब ठोको यार, क्या कर रहे हो। सो तो चलते हैं यार, और ऑलवेज राइड हेलमेट। सो टाटा गुड बाय, सी यू सून ए अनदर न्यू वीडियो। सो टाटा।